हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बोर्ड के पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्या है? गॉस का प्रमेय अथवा नियम। गॉस का प्रमेय अथवा नियम। और इस उद्देश्य से लेके आए हैं कि जितने लोग इस लेक्चर को देखेंगे, जितने लोग इस वीडियो को अटेंड करेंगे, सभी लोगों को आ जाना चाहिए। तो आइए इस उद्देश्य को पूरा करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, सभी लोग एक बार जम के इस क्लास को शेयर कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जानते ही हैं क्या कहने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब समझिए क्या होता है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है गॉस के नियम की, कि बात जब आई कि कोई आवेश जब किसी पृष्ठ के अंदर रख दिया जाता है तो उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। ऐसे अभी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ऐसे मान लीजिएगा ये कोई बंद पृष्ठ हो गया, अब इसके अंदर एक आवेश रख दिए, उठा के पहुँचे आवेश को उठा के इसी के अंदर बंद कर दिए, बेचारा नन्ना मुन्ना सा लड़का। अब क्या हुआ कि ये बहुत 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 बड़ा शैतान लड़का था, इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे रहा नहीं गया तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलने लगी। कहाँ निकलने लगी? विद्युत बल रेखाएं निकलने लगी। अब गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अब इनसे जो ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो पहली बात तो निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस ने बताया कि आखिर बताओ इस आवेश से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। तो गॉस ने क्या बताया जानते हो? गॉस ने बताया कि किसी पृष्ठ के अंदर, ये कोई पृष्ठ है जो गोला बनाया हो, अब इस गोले के अंदर या किसी पृष्ठ से ये जो विद्युत फ्लक्स हो गुजर रहा है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ध्यान से समझिएगा, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। ये कौन बताया था? गॉस ने बताया था। गॉस ने बताया कि इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश रखोगे उस आवेश का 1/ε गुना होगा। कौन होगा? कौन होगा? विद्युत फ्लक्स होगा। बातें कुछ समझ में आई? यानी अब ऐसे समझिएगा, ये कोई पृष्ठ हो गया, पृष्ठ हो गया, पृष्ठ के अंदर आप आवेश रख दिए, पृष्ठ के अंदर एक आवेश ऐसे रख दिए, अब इससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो विद्युत बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। अब वो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के अंदर बैठे आवेश के 1/ε गुना होता है। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, माना ऐसे, एक मिनट अभी बाद में, तो फाई ई बराबर क्या हो गया? गणितीय व्यंजक फाई ई बराबर Q/ε0। ये हो गए गॉस के नियम, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है भैया? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और जिसका मान 8.85×10^-12 होता है। ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई और जिसका मान 8.85×10^-12 होता है।
तो इस प्रकार गॉस का प्रमेय आप बता सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए, गॉस के नियम की क्या करना है, उत्पत्ति करना है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति, गॉस के नियम की उत्पत्ति यानी इसका प्रूफ, उत्पत्ति। ठीक, अब ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, या एक कोई बंद पृष्ठ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक कोई बंद पृष्ठ ऐसे बनाए, थोड़ा सा ऐसे। ठीक, ये कोई बंद पृष्ठ हो गया। अब इस पे एक कोई बंद एक बिंदु ले लेते हैं, जो बिंदु O है, और इस पे कोई एक आवेश Q रख देते हैं। अब आप जानते हैं कि इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा E, इससे विद्युत बल रेखा निकलेंगी जिसकी दिशा ये हो गई E, इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा E हो गए। अब इसी पर ना, इसी पर एक छोटा सा खंड काट लेंगे, एक छोटा सा खंड काट लेंगे। अब ये कटे हुए छोटे से खंड की दिशा क्या है, इधर की तरफ E, और दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो कटे हुए खंड हैं, अब इस कटे हुए खंड पर एक बिंदु क्या है, P है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, माना कोई एक बिंदु आवेश Q है जो कि पृष्ठ के अंदर ऊपर स्थित है, इनसे r मीटर की दूरी पर, इनसे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, बात समझ में आई, जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और उस पे कटा हुआ खंड जो है dA है। बातें समझिएगा, अब इससे होकर गुजरने वाले, इस छोटे से खंड से होकर गुजरने वाले हम लोग क्या निकालेंगे, होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे, माना कोई आवेश क्यू, ऐसे लिख लीजिएगा, माना कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर कोई आवेश क्यू ओ पर स्थित है। ऊपर स्थित है, इतनी बातें क्लियर हो गई भैया, स्थित है। ठीक, बिंदु O पर स्थित है, ओ से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जानते हैं कि Q बिंदु आवेश के कारण R मीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर होता है 1/4πε0Q/r2। ये समीकरण नंबर क्या बना लिए, एक बना लिए। अब ध्यान से समझिएगा, इधर देखिए उधर कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, Q बटे कितना हो गया, R2। इतनी बातें हो गई, अब आगे आप समझिएगा। अब इस DA पृष्ठ से हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे, सूक्ष्म भाग DA से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, क्या आपने पढ़ा था, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कितना पढ़े थे, कॉस थीटा। अब ई का मान हम लोग रख देते हैं, ई का मान समीकरण एक से रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से ई का मान रखने पर,
तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई का मान कितना, 1/4πε0Q/r2। फिर क्या है आपका डी ए कॉस थीटा, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा जरा से इसको एक लाइन और हल करते हैं। फाई ई बराबर क्या, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/4πε0Q का गुणा कर दिया गया, फिर क्या है डी ए कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका घनकोण है, ये आपका क्या है घनकोण। तो हम लोग जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा बटे क्या आर स्क्वायर बराबर क्या है डी ओमेगा, जिसे आप क्या कहते हैं घनकोण कहते हैं। क्या कहते हैं घनकोण, यानी इसको हम लोग घनकोण के बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर Q/4πε0, ये क्या हो गया डी ओमेगा, ठीक ये हो गया। सॉरी एक आप लोग यहाँ डी फाई करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि सूक्ष्म भाग है तो सूक्ष्म भाग से डी फाई ही होंगे ना। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब ये तो हम लोगों ने छोटे भाग से निकाला है, अब पूरे पृष्ठ से बात होगी। तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई मान लेते हैं। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब डी फाई ई का मान यहाँ से रखते हैं, तो डी फाई ई का मान क्या है Q/4πε0 डी ओमेगा। तो जिनका समाकलन नहीं होगा उनको हम बाहर कर लेंगे। ये पूरा चीज़ नियतांक है। अब आप कैसे जानोगे नियतांक है, क्योंकि ये चीज़ छोटे के लिए भी था, ये भी बड़े के लिए भी होने वाला है। तो Q/4πε0 बाहर हो गया, क्या बचा डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो पूरा घनकोण किसके बराबर होता है, 4π के बराबर, ये मान रखेंगे। तो Q/4πε0 डी ओमेगा का समाकलन कितना होता है 4π, 4π से 4π कैंसिल, फाई ई बराबर क्या आ गया Q/ε0। और यही आपका क्या है गॉस का नियम है, यही आपका क्या है भैया गॉस का नियम है। तो जहाँ ε0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है, और क्यों क्या है घिरे पृष्ठ से कुल आवेश है। तो इस प्रकार आपका गॉस का नियम समाप्त हो जाता है। और जैसा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने बोला था कि हर एक बच्चों को गॉस का नियम आपको आना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।